नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य सर्राफा स्वर्णकार फेडरेशन सोना चांदी का व्यापार करने वाले व्यापारियों की एक संस्था, जिसकी एक बड़ी मीटिंग का आयोजन आज भाईंदर के जीसीएस बैंक्वेट हॉल में किया गया। इस मीटिंग में शामिल होने जहां मीरा भाईंदर से लेकर वसई विराड़ तक सभी ज्वेलर्स व्यापारी जो इस संस्था से जुड़े हुए वो आए थे, तो साथ ही साथ इस संस्था के बड़े पदाधिकारी जो पूना, नांदेड़, वहां अलग अलग जिलों से नियुक्त थे, वो भी यहां पहुंचे थे। इन बड़े पदाधिकारियों ने अपने छोटे व्यापारियों को, अपने सभी व्यापारी को मार्गदर्शन किया और बताया कि किस तरह से हमें अपने आप को बचाकर अपना व्यवसाय बढ़ाना है। कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें अहम मुख्य मुद्दा यह था कि कई बार गलतीवश चोरी का माल खरीद लेने के बाद में व्यापारियों को होने वाली परेशानी, और कई दफे ऐसा भी होता है कि जब व्यापारी ने माल नहीं भी खरीदा होता है लेकिन चोर जो है वो गलत पुलिस को सूचना देता है, उसके आधार पर भी उनको, व्यापारी को जो तकलीफें होती है उससे कैसे बचा जाए। इसके अलावा साथ ही साथ अभी वर्तमान में जो पूरा ज्वेलरी व्यवसाय जो है वो अब पारंपरिक पुराने व्यवसाय से हटकर नया व्यवसाय हॉलमार्क पद्धति पर आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब लोग हॉलमार्क वाली ज्वेलरी ज्यादा पसंद करते हैं, तो हॉलमार्क वाली ज्वेलरी में धंधा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बारे में मार्गदर्शन किया। और साथ ही साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग एमसीएक्स की ट्रेनिंग दी गई, एमसीएक्स में किस तरह से निवेश करना है, एमसीएक्स से किस तरह से अपने आप को वहां के जोखिम से बचाना है, उसकी जानकारी इन व्यापारियों को दी गई। एक बड़ी मीटिंग थी पूना से, जहां एक उपाध्यक्ष तो वहीं नांदेड़ से सचिव वो भी शामिल हुए, और इसके अलावा एडवोकेट, हाईकोर्ट के एडवोकेट थे, उन्होंने भी मार्गदर्शन किया कि किस तरह से इनको कानूनी परेशानियों से बचना है। वहीं इस संस्था को, इस पूरी मीटिंग का आयोजन नया नगर मीरा भाईंदर की नया नगर एसोसिएशन ने किया था, जिसको लीड भंवर मेहता कर रहे थे, और उनका साथ पूरा, उनके साथ पूरी एसोसिएशन खड़ी थी। इस कार्यक्रम के अंत में सभी आए हुए मेहमान का मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया, शाल उड़ाई गई और सबका स्वागत किया गया। जैसा कि मैंने अभी बताया, इसमें मुख्य आकर्षण जो था वो था एमसीएक्स की जानकारी काफी विस्तार से दी गई, और उसमें बताया गया कि एमसीएक्स से किस तरह से अपने आप को बचाकर व्यवसाय को बढ़ाना है। और साथ ही साथ उन छोटे व्यापारियों को ये बताया गया, जो व्यापारी अभी तक जीएसटी के दायरे में नहीं है, उनको ये मार्गदर्शन किया गया कि आप बेफिक्र होकर जीएसटी के दायरे में आइए और अपना व्यवसाय बढ़ाइए, बिजनेस को एक्सपांड कीजिए। तो इस तरह से काफी सुखद एक मीटिंग हुई। आप आगे वीडियो में देखिए उस मीटिंग से जुड़े हुए पल को, और सुनिए अतिथियों को क्या कुछ कहना है उनका। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। जीएसटी का दायरा जो 40 लाख रुपए का है वो गवर्नमेंट ने 60 लाख रुपए तक करना है, क्योंकि अभी सोने के भाव जो 35,000 थे अभी 50,000 तक, 55,000 तक जा रहे, तो जो छोटे छोटे व्यापारी है उनको इसके अंदर सुविधा मिलेंगी, वो अच्छा काम कर सकेंगे और उनको टेंशन कुछ इसके अंदर आएगी। तो हमारे एसोसिएशन का ये कहना है कि ये दायरा 40 से 60 तक बढ़ाएंगे तो सब छोटे व्यापारी के लिए अच्छा हो जाएगा। तो आज जो मेरा भाईंदर में एसोसिएशन की तरफ से मीटिंग लगी, इनका यही उद्देश्य है कि जो हमारे जो व्यापारी है वो अतिशय सुलभता के साथ व्यवहार करें। आज पुलिस प्रशासन का 380, 395, 411 में जो पुलिस प्रशासन की ओर से चोरी के गोल्ड के रिकवरी के बारे में हमारे बहुत सारे व्यापारियों को हरेसमेंट होती है, इसलिए आज मीटिंग बुलाई है। मेरा महाराष्ट्र के तमाम शराब सुरनगर भाइयों से विनंती है कि ये आप किसी भी प्रेशर में न आके हर शराब स्वर्णकार, हर अपने अपने मंडी में अपना संगठन बनाए रखे। और मेरी एक खास रिक्वेस्ट है, ये
छोटे छोटे बातों में आप शराब सौदागर भाइयों लालच में न आए। सर्वप्रथम आप पारदर्शकता के साथ पक्के बिल के साथ आप व्यवहार करें, जो आपके पास कस्टमर आता है उसका आइडेंटिफाई करें, आधार कार्ड लें और पक्के बिल के साथ खरीदी बिक्री करें। आपका कोई पुलिस प्रशासन बाल बाखा नहीं कर सकता। ये मैं महाराष्ट्र राज्य शराब सरकार की ओर से कर रहा हूँ और संगठन रहना ये बहुत जरूरी है और अपने व्यवहार में पारदर्शिता आप लालू छोड़ दिए तो आप क्या समझते हैं, इतने बड़े बड़े शोरूम हैं उनको 411-380 की तकलीफ क्यों नहीं है? ये पक्के में है आप, लेकिन आप सब शराब सरकार अब पक्के में पारदर्शिता के साथ व्यवहार करें और अपना व्यवहार बढ़ाए। जय हिंद। और HOD का लिए हम कभी भी, पहले भी हम माल अच्छा देते थे, अभी भी सभी व्यापारी हमारे माल अच्छा देने को तैयार है और हर ग्राहक को वो चाहते हैं कि भाई हमारे ग्राहकी बढ़ेगी जिस हिसाब से माल अच्छा देंगे। तो लेकिन जो HOD और जो हॉलमार्के का उनके पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है और हमारा जो सैंपल के लिए जो भी माल जाता है वो 6-6 महीने तक अभी भी माल टेस्टिंग होके नहीं आता है, तो उसके लिए कुछ प्रावधान मतलब अभी भी हम कुछ भी नहीं है। और जो टेस्टिंग का रिपोर्ट पहले जो हमारे इधर इनका चेन्नई में थी टेस्टिंग की जो लैब थी, अभी उन्होंने अंधेरी में की है, लेकिन एक अंधेरी में करने से पर्याप्त नहीं है और इसके हिसाब से व्यापारियों को काफ़ी तकलीफ पड़ती है। आज समझो कोई नांदेड़ में या अमरावती में कोई आदमी रहता है, उसको कुछ टेस्टिंग कराना है तो मुंबई आएगा जाएगा, अकेला आदमी क्या करेगा? तो ये इनको गवर्नमेंट को पहले प्लानिंग करके कुछ भी काम करना चाहिए। ये बिना प्लानिंग किया वो काम कितने दिन चलेगा? ये जो प्लानिंग किया वो काम है वो चलेगा, बाकी आज के टाइम में हर तरह से व्यापारियों को तकलीफ पड़ रही है और व्यापारी दिनों दिन टूटता जा रहे हैं, व्यापारियों के धंधे टूटते जा रहे हैं। क्योंकि आज दिनों दिन जो व्यापारी धंधे आने जाने में उनका महीने में 7 दिन अगर मुंबई जाता तो 7 दिन का धंधा बिगड़ता है। इसके लिए कोई अच्छा प्रावधान करे, अच्छी कोई उपाय करे तो अच्छा है। मानो की जोगेश्वरी और अंधेरी से लिखे हुए, मैं बैंगलोर लेके आया हिमोजी रेट्टीमणि वाले के साथ में, लॉयर के साथ में और हमारे विजय जी मानी उनके साथ में मैं बैंगलोर जाके आया। बैंगलोर जाके हमने कमिश्नर को बोला कि ये जो जोन स्विच हो रही है हमारे साथ वो गलत हो गया है, क्यों हमारे व्यापारी ने माल ही नहीं दिया है, उसको रातों रात धमका के उसको बोलना तो माल भर नहीं तो तेरे उठा के ले जाएगी। ट्रैवलर टेम्पो लेके आते हैं, ट्रैवलर टेम्पो लेके आते हैं, शायद अभी कोई जोगेश्वरी वाला गुरेगा वाले भी बैठे हैं, तो ट्रैवलर टेम्पो में 24 से 23 लोग पुलिस वाले होते हैं बैंगलोर पुलिस के, उसमें PSI 4 होते हैं, ASI होते हैं और वहां के DCP और यहाँ के DCP का सेटिंग होता है। और कोई भी दुकान पे जाएंगे 100% जाके बोलेंगे ये आरोपी बोल रहे हैं आपने माल लिया माल भर के, और 50-100 ग्राम की रिकवरी नहीं, 500-500 ग्राम की रिकवरी, 600-600 ग्राम की रिकवरी हमारे गोरेगांव मलाड और मालवनी में। और जबकि उसमें लिख के देने वाले हमारे एक व्यापारी जो बिना डर से MR ज्वेलर्स अंधेरी मदन जी सुनी, उन्होंने मुझे धक्के दिया कि 600 ग्राम माल मेरे से धक्के लिए वो भी फाइन और 7 लाख रुपए रोकड़ा लेके गए। तो मैंने कमिश्नर को एप्लीकेशन डालने के बाद कमिश्नर के मामले आप कोर्ट से भी लड़ सकते हैं, मैंने 156 दिन के अंदर कोर्ट में पिटीशन डाला। अब उसकी कॉस्ट बनती है 36 से 40 हजार रुपए जो हमने दिया, तो पिटीशन के साथ साथ में 156 दिन डाला। आज वो जैसे ही 156 दिन का मैंने करी कोर्ट से उनको नोटिस गया, तो 3 दिन पहले हमारे एक गोरेगांव के राम मंदिर रोड के व्यापारी को भी उठा के लेके चले गए। 3 दिन पहले, अभी 3 दिन पहले मतलब 7 तारीख की बात कर रहा हूं। तो ये जो हो रहा है ना, इसके लिए सब मिलके अपने को, क्योंकि ये क्या होता है कि जब डिस्ट्रिक्ट लेवल का जब चला जाता है ना तो यहाँ के लोग क्या कहते हैं, पर उधर रुचि क्यों नहीं है, हम क्या करेंगे? और वहां के लोग कहते हैं अरे हमारे इधर FIR है, हमको तो माल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेकिन असली में इनके पास FIR पुरानी पड़ी हुई FIR होती है। समय की कमी से नहीं आ पाए, जब भी याद करते हैं तभी फतेह चंद जी से आजीब हो जाते हैं।
हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।